हेलो गाइस, रेडमी के K50i कैमरा के मामले में कैसा है एंड इस वाले डिवाइस को अगर आप परचेस कर रहे हो तो इस वाले डिवाइस से क्या आप अच्छी क्वालिटी की फोटोज़ एंड वीडियोस ले सकते हो, क्योंकि इसके बैक कैमरा में आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल, जो हायर मतलब मेगापिक्सल कैमरा एप्लीकेशन है, जो आजकल के जो मिड रेंज स्मार्टफोन है, दैट मीन्स बजट स्मार्टफोन से भी ऊपर का लेवल का आता है। एंड बजट स्मार्टफोन में आपको 12 मेगापिक्सल ही आपको देखने को मिलता है। तो नॉर्मल जो 40-50 हज़ार के फ़ोन आते हैं उनमें भी आपको 48 मेगापिक्सल या 32 मेगापिक्सल या 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। आईफोन में मतलब तो सिर्फ 12 मेगापिक्सल है। एंड अभी जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, लेटेस्ट जो स्मार्टफोन आ रहा है उसमें आपको 48 देखने को मिलता है। बट अदरवाइज इसमें जो आपको 64 मेगापिक्सल है उसमें आपको कैसा फोटोग्राफी होता है, तो फोटोग्राफी जो कुछ इस तरह का निकल के आता है। वीडियोग्राफी मैंने किया था, आपको जो वीडियोग्राफी हाईएस्ट जो रिफ्रेश रेट मिलता है वो 4K 60fps पे, बट आपको 1080p 60fps में जैसे आप वीडियोग्राफी करोगे ना, तो वहाँ पे आपको स्मूथनेस बहुत ज़्यादा बढ़िया आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे वीडियोग्राफी किया, आपको फोटोग्राफी में करके दिखा रहा हूँ, तो सेम टू सेम जो वहाँ पे रिफ्रेश रेट है बहुत ज़्यादा बढ़िया 1080p 60fps में, बट मुझे 4K जो 30fps है वो मुझे बेस्ट नहीं लगा। वहाँ पे आपको कोई भी स्टेबलेशन देखने को नहीं मिलता, वीडियो बहुत ज़्यादा शेकी होता है, जिसकी वजह से आपका वीडियो बहुत ज़्यादा गंदा भी दिखता है। एंड था बहुत ज़्यादा मतलब हाई रिफ्रेश रेट देने के चक्कर में जो वीडियो का क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन कर लेता है। बट मेरे हिसाब से 1080p 60fps बेस्ट है, क्योंकि आपको बैक कैमरा में तो मिलता ही 1080p 60fps, आपको फ्रंट कैमरा पर भी 1080p 60fps देखने को मिलता है। अगर आप एक ब्लॉगर हो, कोई फ्रंट कैमरा से अगर वीडियो शूट करते हो, लाइक टिकटॉक वीडियोस हो गया या इंस्टाग्राम रील्स हो गया, अगर आप शूट करते हो तो आपका इसका फ्रंट कैमरा बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है, क्योंकि 1080p 60fps है बहुत बढ़िया क्वालिटी देख दे देता है। क्योंकि आजकल के जो बहुत सारे डिवाइस आ रहे हैं उनमें भी आपको ये सब देखने को नहीं मिलता है, जो एक 25,000 और 20,000 के फ़ोन में आप लोगों को 1080p 60fps वो भी फ्रंट कैमरा में देखने को मिलता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। हाँ, इसका मुझे बाकी सब मोड इतना ज़्यादा काम का नहीं लगा, पोर्ट्रेट मोड ठीक ठाक मैं बोलूँगा इतना ज़्यादा बेहतर। हाँ, नाइट फोटोज आप अगर लो लाइट है तो वहाँ पे अच्छा क्वालिटी निकाल के दे देता है, अच्छी बात है ये वाला। एंड सेकंड बात, इसका जो फोटोज है अगर आप इस एक्सपोजर को थोड़ा डाउन करके फोटो लोगे वो अच्छा रहेगा, अगर आप नेचुरल क्वालिटी का फोटोग्राफी कर रहे हो। बाकी सब अगर आप परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, एंड गेमिंग टेस्ट वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जाके वॉच कर सकते हो।